हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ कि इफ़ y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, प्रूव डैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग वाई को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशंस लिखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट गिवेन, गिवेन में आपका क्या है, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको इक्वेशन हम लोग वन कहते हैं। एक बार पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy बाय डी एक्स होगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए और बी अब यहाँ कॉन्स्टेंट है, हम लोग यहाँ प्लस में है, तो ए साइन एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बी कॉस एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर देते हैं और हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में, प्लस b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फिर हम लोग सर cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपके पास आएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो cos x होगा, cos x प्लस b, और cos x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन x। तो हम लोग लिख सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स, ए कॉस एक्स और ये माइनस प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम लोग क्या किए, वाई को एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग पास आया ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, फिर हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स को यदि आप एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, फिर यहाँ a कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस b को हम लोग बाहर कर देंगे सर, और sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, a और cos x को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस sin x, माइनस sin x और माइनस बी, और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिए तो ए साइन एक्स प्लस हो जाएगा बी कॉस एक्स। और अब हम लोग क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसको देखेंगे, आपको करना है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो हम लोग डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का सर वैल्यू वाई है, तो आप इसके जगह पे आप वाई लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस को लेफ्ट साइड ले गए तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यही आपको प्रूफ करना था, तो हम लिख देते हैं यहाँ प्रूफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिटा देता हूं इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा है, इफ y इक्वल टू टैन इन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, प्रूव डैट, प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन इक्वल टू टू। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन से पहले आपको ये y1 और y2 के बारे में जानना हो। y1 मतलब यहाँ आपको dy बाई dx है और y2 मतलब d2y टू वाई अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या दिया हो, y इक्वल टू टेन इन बोर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ d2y टू वाई अपॉन डी स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ भी सर हम लोग y को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग पहला बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इन टू टेन इन बोर्स एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ टेन इन बोर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें सर, इसमें चैन रूल यूज करेंगे। तो हम लोग टेन इन बोर्स एक्स का होल स्क्वायर को पहले किसके रिस्पेक्ट में, टेन इन बोर्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे सर, इनटू फिर सर टेन इन बोर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेन टेन इन बोर्स एक्स का होल स्क्वायर को टेन इन बोर्स एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो लिखेंगे टू टेन इन बोर्स एक्स और इनटू टेन इन बोर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखिए स्टूडेंट, एक बात समझिए कि ये 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि इसको एक बार फिर से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ कोसेंट टूल यूज करना हो, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड में है और इधर यदि आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो इधर यदि आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो अब फिर से आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे। तो दोनों में कोसेंट टूल और प्रोडक्ट टूल आपको ध्यान देना है कि दोनों में आसान कौन है। तो आपको लगता हो सर प्रोडक्ट टूल ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो आपके पास होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स। ये कहाँ से आया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी सर आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो टू टेन इनवर्स एक्स को, ठीक ना। अब देखिए यहाँ कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इंटू में है तो प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट टूल में क्या करते हैं सर, फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग छोड़ेंगे और डी वाई बाई डी एक्स को यदि आप फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग छोड़ देंगे इंटू सर फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो 1 को यदि आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 0 होगा और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, तो प्लस 2x इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर और टेन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 0 प्लस 2x, 0 प्लस 2x 2x हो जाए, इसको लिख सकते हैं 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। आप थोड़ा सा देखिएगा सर प्रूफ में क्या करना है, तो यहाँ वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो डिवाइड में आपको दिख रहा है राइट साइड में, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू। डैट इज करके ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डैट इज करके आप लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई वन लिख सकते हैं वाई वन इक्वल टू, है ना। यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।